अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बैंक खाते से लाखों रुपए कॉल गर्ल के पास पहुंचे थे, ऐसा उनके बेटे हंटर बाइडेन की वजह से हुआ। हंटर ने साल 2018 में एक कॉल गर्ल के साथ होटल में रात बिताई थी और इसकी पेमेंट उन्होंने जो बाइडेन के खाते से की थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस बात का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक 2018 में हॉलीवुड की चेटो मारमोट होटल में एक कॉल गर्ल के साथ बिताए रातों के लिए अनजाने में हंटर ने अपने पिता के अकाउंट से ही पेमेंट कर दिया था। हंटर बाइडेन के लैपटॉप में कई मैसेज, तस्वीरें और वित्तीय लेन देन की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लैपटॉप को हंटर बाइडेन एक डायरी की तरह इस्तेमाल करते थे। हंटर ने उस लैपटॉप को मरम्मत के लिए दुकान पे दिया था, जिसके बाद वो इसे भूल गए थे। न्यूयॉर्क पोस्ट ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि उनके बेटे हंटर बाइडेन ने अपनी पसंदीदा साइट एमराल्ड फैंटेसी गर्ल से खुद के लिए रूसी और हरे आंखों वाली कॉल गर्ल को चुना और उसके साथ उन्होंने रात बिताई। महिला का नाम याना था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के बेटे हंटर ने 24 मई 2018 को गुलनोरो नाम की एक महिला से संपर्क किया, जो कि एमराल्ड फैंटेसी गर्ल्स के लिए एक पंजीकृत एजेंट थी। उसे पैसे भेजने की कोशिश एक ऐप के जरिए की, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी राशि में $25,000 एक घंटे में भी कम समय में उन्होंने ट्रांसफर की। डेली मेल में प्रकाशित एक अन्य खबर के मुताबिक उन्होंने हंटर के लैपटॉप से एक्सपर्ट के जरिए 1,03,000 टेक्स्ट मैसेज, 1,54,000 ईमेल, 2,000 से अधिक तस्वीरें प्राप्त की हैं, जिनमें से और भी हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। रसूखदार परिवार के बेटे की निजी जिंदगी से जुड़े इन खुलासों के बीच आपको बताते चलें कि जिस दौरान हंटर की ये चैट और ईमेल लीक हुई, तब उनके पिता जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।